लालच का फल। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, लालच का फल बुरा होता है। आइए इस कहानी में देखें कि कैसे लालच के कारण एक स्त्री पुनः निर्धन हो गई। एक निर्धन स्त्री अपने दो बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। माँ, बहुत भूख लग रही है। माँ, क्या हमें आज ही भूखा रहना पड़ेगा? एक दिन उनकी झोपड़ी के बाहर स्थित पेड़ पर सुनहरे पंखों वाला एक हंस अचानक आकर बैठ गया। अरे माँ, उधर देखो, अद्भुत पक्षी। हंस बहुत प्यासा था, उसने पानी मांगा। बालिका ने उसे पानी पिलाया, हंस प्रसन्न हो गया। तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, ये पंख लो, इसे बेचकर तुम्हें पर्याप्त धन मिलेगा। इसके बाद हंस प्रतिदिन झोपड़ी के पास आता और निर्धन स्त्री को एक पंख दे जाता। इससे स्त्री काफी धनी हो गई। लेकिन एक दिन स्त्री के मन में लालच आ गया। यदि हंस ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा? इस बार जब हंस अपना पंख देने आया तो स्त्री ने उसे पकड़ लिया और उसके पंख उखाड़ने लगी। आ, नहीं नहीं, सारे नहीं, रुको। देखते ही देखते स्त्री ने हंस के सारे सुनहरे पंख उखाड़ डाले। वाह, अब हम कभी गरीब नहीं होंगे। पर यह क्या, सारे सुनहरे पंख सफेद होकर इधर उधर उड़ने लगे। ओह नहीं, ये पंख तो सफेद हो गए, ये बदल कैसे गए? मैं बर्बाद हो गई। ये तूने क्या किया लालची स्त्री, तुझे मेरी इच्छा के बिना मेरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। शीघ्र ही हंस के नए पंख निकल आए, किंतु अब वे सफेद थे। हे भगवान, यह मैंने क्या कर डाला? ये तेरे लालच का फल, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपनी बात कहकर हंस उड़ गया। कुछ ही दिनों में लालची स्त्री का सारा धन खर्च हो गया और वह फिर से निर्धन हो गई। अब वह अपने बच्चों के साथ घर घर जाकर भीख मांगने को विवश थी।